फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन करंटली अभी किस टाइम पे अगर हम जबरदस्त एक एप्लीकेशन का बातें करें पेपर ट्रेडिंग करने के लिए तो नंबर वन पे आएगा फ्रंट पेज। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो, कौन कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना है जिससे कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपका कम में आए। एंड इस एप्लीकेशन का हर एक ऑप्शन मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो आप जस्ट वीडियो को एंड तक देखते रहो। एंड अगर आप एक ट्रेडर हो एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके का वीडियो हम ऑन डे का अल्टरनेटिव डे पे हम लेके आते ही रहते हैं आप सभी के लिए, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस मेरा मोबाइल फोन खराब होने के कारण ये वीडियो को देने में आपको 2 दिन का डिले हो गया एंड उसी के साथ आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ऑडियो जो है कि डिक्रीज क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे कि देख सकते हो पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको साइन इन कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो आपको ऊपर की तरफ वॉच लिस्ट, पोजीशन एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलता है। पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे जो कि 10 लाख का आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है। तो इस वीडियो का स्टार्टिंग करता हूं मैं वॉच लिस्ट से एंड यहां पे जो भी आप ऑप्शन देख सकते हो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आपको जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नीचे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी कुछ पेपर ट्रेडिंग क्लब एंड नोटिफिकेशन का कुछ ऑप्शन है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाना चाहूंगा यहां पे वो है पेपर ट्रेडिंग। आपको जस्ट पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन पे ही सबसे पहले आना है एंड ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन काम करता है सिपरशिप मार्केट डेस्क पे। मार्केट डेस्क होता है मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 तक ये एप्लीकेशन भी चलता है। तो अभी मैं वीडियो का स्टार्टिंग करता हूँ वॉच लिस्ट से। तो वॉच लिस्ट का ऑप्शन पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च वर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप आपका जो मनपसंद का स्टॉक है उसी स्टॉक को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि IRCTC को मैंने चूज़ किया, तो आप अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रेस करके आप उसको बाई सेल भी कर सकते हो। जैसे कि अगर नीचे की तरफ दिखाऊँ तो आप यहाँ पे जो बाई सेल कर सकते हो। तो अभी 725 रुपये 25 पैसा का प्राइस भाव चल रहा है। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो करेंटली मैं जो ये वीडियो को शूट किया था वो किया था संडे को, लेकिन ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा है ट्यूजडे को, क्योंकि संडे को मार्केट बंद रहता है जिसके वजह से ये मार्केट भी बंद है, वही पॉपअप दे रहा था। अगर प्लस का ऑप्शन पे प्रेस करोगे तो आपका जो भी स्टॉक रहेगा वो स्टॉक आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा एंड बहुत सिंपल वे में आप आपका ब्रोकर एप्लीकेशन की तरह ही आप यहाँ पे भी आपके लिए खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते। जैसे कि प्राइमरी वॉच लिस्ट के अंदर मेरा इस तरीके का स्टॉक ऐड किया गया है। एंड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, सो आप यहाँ पे आपका खुद का नाम डाल के भी आप सेव कर सकते हो जिससे कि आपका नाम से भी एक यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। आप में से 99% लोग होंगे जो अभी बिगिनर हो, तो आप बिगिनर होने के कारण मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे एक स्टॉक को बाय सेल करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ITC इस स्टॉक को मैं अभी बाय अगर करूंगा तो 442 रुपीज़ पड़ेगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, मतलब कि पुट लेना चाहते हो या फिर कॉल लेना चाहते हो, वो भी आप चूज कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले मैं बाय करके दिखा देता हूँ। बाय का ऑप्शन पे जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको ऊपर की तरफ वो स्टॉक का नाम दिखेगा एंड उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपका टोटल मार्जिन कितना है वो मार्जिन भी दिखाया जाएगा। उसके बाद स्टॉक नेम, उसके बाद बाय या फिर सेल आप क्या करना चाहते हो एंड उसके नीचे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिए गए जहाँ पे आप आपका हिसाब से क्वांटिटी आप डाल सकते हो कि इतना क्वांटिटी मेरे को कितना प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अभी बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें हमें जो भी प्रॉफिट दिखने के लिए मिलता है वही सेम प्रॉफिट क्या हमें हमारा जो ब्रोकर होगा अगर हम रियल मनी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करें तो भी क्या हमें सेम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा? तो मैं आपको बताने जाऊंगा हाँ, आपको सेम प्रॉफिट ही आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एंट्री प्राइस, मतलब कि ये ऑप्शनल है। अगर जैसे कि इसका भाव चल रहा था 442, तो मान लो कि इस प्राइस से थोड़ा सा कम में आप इसको परचेस करना चाहते हो तो 440 रुपीज़ आप लिख सकते हो या फिर आपको जो भी लगता है कि इतना प्राइस तक नीचे आ सकते हो वो प्राइस आप लिख सकते हो। तो बाई चांस अगर मार्केट उसी प्राइस को टच कर जाता है तो आपका मार्केट में एंट्री बन जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है इसलिए टाइम फ्रेम तो काम नहीं कर रहा। तो टाइम फ्रेम पे होता क्या है कि आप यहाँ पे इंटर ट्रे, डिलीवरी या फिर कैरी फॉरवर्ड आप वो सबको चूज कर सकते हो। नीचे आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है, तो आप जिस भी प्राइस में एंट्री बनाओगे उससे आप इतना कम, मतलब कि मार्केट अगर इतना ज़्यादा गिरेगा जो प्राइस तक आप संभल सकते हो, आपको लगता है कि इतना कैपिटल मेरे पास अगर चला जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर जाएगा, तो आप उसी स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे टाइप कर देना। एंड उसके बाद टारगेट, मतलब कि अगर आपको लगता है कि इससे प्राइस ज़्यादा बढ़ सकते हैं तो कितना रुपीज़ तक आपको प्रॉफिट चाहिए वो भी लिख के देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया था 540 पे, तो 530 तक, मतलब कि 10 रुपये का अगर मेरा लॉस होगा तो चलेगा। एंड अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो सेम तरीके से 550 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया हूँ, जिससे कि अगर मेरे को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी दोस्तों पोजीशन का ऑप्शन में आने के बाद आपका जो भी पोजीशन ओपन रहेगा, जो भी ट्रेड आपका कंटिन्यू रहेगा, वो पोजीशन आपका यहाँ पे शो करेगा। ऊपर की तरफ जैसे कि देख सकते हो अवेलेबल मार्जिन आपका शो करेगा। उसके बाद इन्वेस्टेड मार्जिन, मतलब कि यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो आपको प्लस या फिर माइनस में आपको दिखाया जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप ग्रीन कलर में देखोगे तो यहाँ पे भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा PNL। एंड उसके साथ अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ भी आपको ब्लू कलर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये भी सेम चीज़ है। आपको जस्ट यहाँ पे प्रेस करना होता है एंड ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे कि निफ्टी
निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इस तरीके का चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो तो स्टॉक के ऊपर भी कर सकते हो, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। आपको जस्ट ये सब कुछ आपको चूज़ करना होता है एंड सबमिट कर देना होता है, ऐसे ही आपका एंट्री बन जाता है। परफॉर्मेंस का ऑप्शन में आने के बाद अगर आप देखोगे तो टोटल मेरा 12,000 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का कैपिटल में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ दिन पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ ट्रायल किया था। सो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आप सबसे पहले जो है कि कोई एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड डेली का बेसिस पे उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो। अगर आपको उसी स्ट्रैटेजी पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है तब भी जाके आप रियल मनी के साथ वही ट्रेड करो। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी किया था, अप्रॉक्स जो है कि 50 to 60,000 का मेरा प्रॉफिट चला गया था। मैं उसको और भी अगर ज़्यादा चाहता तो इंक्रीज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो है कि मेरा एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहा था एंड उसमें मेरे को जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिला कुछ दिन बाद उसने मेरे को जो कि बहुत ज़्यादा लॉस भी करा। अगर कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो जीरो हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस का जाओ, तो आपको यहाँ पर रिसेट पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है। रिसेट पोर्टफोलियो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डेमो अकाउंट होगा इसमें फिर से जो कि 10 लाख का डिपॉजिट किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो एंड इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना, वो भी मैं अपडेट करता रहता हूँ।